तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो की शुरुआत हमारे टफी के साथ करते हैं। और इसे देखो, ये यहाँ पर चारे के ढेर पर चढ़ के यहाँ पर कुछ ये ढूंढ रहा है इसमें। और पीछे है बाजरी का खेत और उसके पीछे है हमारा बड़ा माउंटेन जिस पर अभी फॉग के बादल छाए हुए हैं। तो अभी तो बहुत ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का। और ये है हमारे तिल जिसमें अभी तो बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। तो अभी के टाइम तो यहाँ पर खेत का माहौल भी यहाँ पर गार्डन जैसा हो गया है, पूरा गार्डन से कम नहीं है यहाँ पर। वैसे ये तिल अब थोड़े टाइम में कटाई के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर बारिश के मौसम में भी जो फसल की तैयारियाँ करनी है तो उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। और बारिश की बात करें तो इस बार तो पूरे साल बारिश का ही मौसम रहा है और ये तिल की फसल भी पता नहीं हाथ में आएगी या नहीं। अभी हमारे आसपास के एरिया में तो बारिश हो रही है, तो जैसी भगवान की मर्जी वैसा होगा। और यहाँ पर है हमारे एनिमल और आज इनका ही कुछ काम चल रहा है तो दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर है हमारा पिछले साल का पशुओं का चारा जो कि अब हमें, जो हमारे एनिमल है तो वो खाते नहीं हैं, तो इनको अब हमारे पास में ही जो भेड़ बकरी वाले हैं तो उनको दे दिया जा रहा है। तो इसको बाहर निकाल रहे हैं अभी। तो फिर जो इस साल की जो मूंगफली का चारा है वो भी इसमें भरना है ताकि बारिश के मौसम में ख़राब ना हो। और ये है बाला भाई जिसको ये पूरा काम सौंपा गया है इस चारे को बाहर निकालने का, फिर जो नया हमारा चारा है तो उसको भी यहाँ पर भरने का। और इन दोनों को देखो, इनकी दोस्ती भी अच्छी हो गई है, ये भी खाते पीते साथ में ही है। जो पुराना चारा है उसको यहाँ पर डाल दिया है और फिर जो नया चारा है उसको अंदर भर देंगे और ये जिनको दिया है वो एक दो दिन में ये जो पुराना चारा है वो ले जाएंगे। और यहाँ पर है हमारे मूंग जिसमें भी अब सींग आने लगी है और थोड़े टाइम में ही ये फसल भी तैयार हो जाएगी। तो किसानों की लाइफ में तो यही चलता रहता है, एक फसल तैयार हुई कटाई की, फिर खेत तैयार करके तुरंत ही दूसरी फसल की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस साल तो बारिश ने भी बड़ा नुकसान और परेशान किया है किसानों को। पूरे साल बारिश हुई है इस साल, तो सिर्फ खेतों में ही नहीं, जो किसानों का मार्केट यार्ड होता है जहाँ पर फसल ले जानी होती है वहाँ पर भी पूरा मार्केट यार्ड में फसल बर्बाद हो चुकी है जो बारिश होने के बाद, तो आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। और अभी एक दो दिन तक हमारे देवभूमि द्वारका जिले में भी बारिश होने का अलर्ट है, तो देखते हैं क्या होता है। तो सामने देखो दोस्तों, अभी आसमान पूरा साफ है तो बड़ा माउंटेन का व्यू कितना ब्यूटीफुल है आप देख ही सकते हो। हमारे खेत से पूरा माउंटेन का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है वैसे। और अभी बन रही है मेरी फेवरेट सब्जी, इस सीज़न की पहली गुंदे की सब्जी बन रही है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। आपको पसंद है या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे 10K सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो जाएं। और आज बहुत टाइम के बाद ये बच्ची हमारे वीडियो में आई है, क्या आप इसको पहचानते हो दोस्तों? आज नाना जी के साथ में जाह्नवी और युवराज दोनों आए हैं घर पे। तो ये दोनों मेरे मामा के बेटे हैं जो कि हमारे नए व्यूअर हैं उनको बता देता हूँ, मैं जानकारी दे देता हूँ थोड़ा सा।
अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और बाला भाई ने जो पुराना चारा था वो बाहर निकाल दिया है और ये जो नया चारा है वो भी बस भर ही दिया है, थोड़ा सा ही बाकी है। शायद शाम तक ये सारा काम पूरा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो के साथ।